हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मीनाक्षी झा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी। अगर आप बैचलर है या वर्किंग वूमेन है या बिगनर्स है, आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं मटन करी बनाना। मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से पक जाए तो उसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने आधा किलो प्याज लिया है। अब 3 से 4 मिनट हम इस प्याज को पका लेंगे। हमें इस प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। प्याज हमारा पक चुका है, अब हम इसमें मटन डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर 1 किलो मटन है तो उसमें आधा किलो प्याज डलेगा। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, कुकर का ढक्कन लगा के। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे और एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मेरे पास कुटा हुआ अदरक लहसुन है, मैं वही डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे फिर से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। फ्रेंड्स, मटन को पकने में टाइम लगता है, इसीलिए हम इसे हमेशा लो टू मीडियम हीट पे ही ढक के पकाते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे और इसके बाद देखिए मटन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब अब हमारा मटन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 500 से 600 ml हम इसमें पानी मिला देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, सीटी हमें कितनी लगानी है ये डिपेंड करता है कि हमारे मटन के पीसेस का साइज़ क्या है। अगर बड़े साइज़ है तो हमें ज़्यादा सीटी लगाना पड़ेगा और अगर छोटे साइज़ है तो कम सीटी लगाएं। फ्रेंड्स, अब हमारे कुकर का गैस सारा निकल चुका है, अब हम इसका ढक्कन खोल के सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब फ्रेंड्स, ये मटन सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे चावल या रोटी, पराठा किसी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।